15 दिन में बस 3 बार लगा लो, चेहरे के काले दाग धब्बे झाइयां हमेशा के लिए गायब। हे गाइस, मैं हूं नैना एंड वेलकम बैक ब्यूटी सीक्रेट हिंदी। आज की इस वीडियो में डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को ठीक करने का एक बहुत अच्छा रेमेडी आपसे शेयर करने में लगी हूं। अक्सर जब आप अपने चेहरे की केयर नहीं कर पाते या फिर पिंपल्स के बाद आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट रह जाते हैं, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिन्हें हम झाइयां भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इनका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन, जिसके लिए आपको ये कुछ चीज़ें आपके घर में ही मिल जाएंगे और इनके साथ ही आप इस रेमेडी को बना करके अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, ये क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है और इनका इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दिया करें। मोटिवेशन के लिए, सिर्फ मोटिवेशन अप होता है और साथ ही में आपका ढेर सारा प्यार झलकता है लाइक करने से, तो प्लीज़ लाइक किया करें और साथ में शेयर भी कर दिया करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पर चाहिए, ये है पपाया। पपाया में होता है पेप्टीन, जो कि आपके आने वाले स्किन टोन को टोन करने का काम करता है, डेड स्किन को हटाता है, प्लस डार्क स्पॉट्स को साफ करने का काम करता है। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको पपाया का पेस्ट बनाकर तैयार करना है। पेस्ट बनाने के लिए इसे ग्राइंडर जार में डाल दीजिए और इसका पेस्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। अब इस पपाया पेस्ट में सेकंड इंग्रेडिएंट आपको लेना है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर आपकी त्वचा से डार्क स्पॉट्स को हटाने का प्लस ब्लेमिशेस यानी झाइयों को ट्रीट करने का बहुत अच्छे से काम करता है। 1 चम्मच डाल दीजिए इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें डालिए 1 चम्मच हनी। हनी आपकी स्किन को सूद करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है, ब्लेमिशेस को साफ करता है। हनी इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट क्योंकि ये नेचुरली आपकी स्किन पर काम करता है। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर डालना है दही, कर्ड। 1 चम्मच डालिए कर्ड। एंड मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, सभी के सभी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, झुर्रियों को हटाते हैं, प्लस ये आपके स्किन पर किसी भी तरह का रेडनेस स्वेलिंग नहीं करते। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो भी आप इनका इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं, बिकॉज ऑल इंग्रेडिएंट्स इज़ वेरी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। तो आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, प्रॉपरली एक पेस्ट बना करके तैयार कर लीजिए। इसे आपने अप्लाई करना है जहाँ जहाँ आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है। आप इसे पूरे चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इसका नुकसान तो कोई है नहीं, आपके स्किन में काफ़ी अच्छा इफेक्ट ही करता है ये और त्वचा से दाग धब्बों को हटाता है। अप्लाई करें एंड जस्ट आपने हल्का हल्का मसाज भी करना है। इस रेमेडी को आप वीक में इस्तेमाल कर सकते हैं 3 टाइम्स तक, लेकिन अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रात में इस्तेमाल कीजिए इसे, चेहरे पर साफ चेहरे पर अप्लाई कीजिए, मसाज कीजिए और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़िए और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। सो दैट फाइनली आई होप मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो। सो लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।